Hello once again students. Today I am going to teach you maths from your maths workbook chapter 6 number up to 100. So let's start. Let me open chapter 6. This is your chapter 6 number up to 100. Now let me read this question. Choose the correct option. Count the number of pencils. आपको students में क्या करना है, ये number of pencils count करनी है. इनको pencils को count करने के बाद आपको ये options A, B, C, D हैं, इन पर आपको जो correct option है उस पर टिक करना है. तो पहले आप pencils count करिए. वन ब्लॉक में कितनी पेंसिल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वन ब्लॉक में 10 पेंसिल हैं. यू विल राइट हियर 10. इसमें भी 10 हैं, 10. इसमें 10 हैं, 10. हियर इज ऑल्सो 10. हियर इज ऑल्सो 10. हियर इज ऑल्सो 10. हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिक्स ब्लॉक्स आर देयर. सिक्स ब्लॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं. इट मीन्स 10 6 60 पेंसिल्स हो गई. और 1, 2, 3 पेंसिल्स ये हैं, तो इट मीन्स 60 + 3 63 पेंसिल्स. वी पुट द टिक हियर, ऑप्शन बी 63. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 4 10s and 4 7 1s. 4 10s and 7 1s ऐड करके क्या हो जाएगा, 47. 4 10s प्लेस पे है और 7 1s प्लेस पे है, 47. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज बिगर देन 70 एंड स्मॉलर देन 75. यहाँ पर 4 ऑप्शंस, कैन यू सी हियर, 70, 76, 78 and 74. इसमें आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है जो 70 से बिगर हो और 75 से स्मॉलर हो. 70 इज सिमिलर, 76 इज बिगर देन 70 एंड 75 से भी वो बिगर है. 70 इज ऑल्सो 75 से भी बिगर है. 74 पे हम टिक लगाएंगे क्योंकि 74 जो है वो 70 से बड़ा है और 75 से छोटा है, स्मॉलर है. तो वी विल पुट द टिक हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज द बिगेस्ट. इन 4 ऑप्शंस में आपको जो बिगर नंबर है उस पर टिक लगाना है, बताना है कौन सा नंबर बिगर है. 85, 75, 80 and 83. आई थिंक, मुझे लगता है 85 इज़ बिगर. 85 नंबर सबसे बिगर है. नाउ कंप्लीट दिस पेज, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज दिस, बिगर और स्मॉलर. इसमें स्टूडेंट आपको बच्चों क्या करना है कि इसमें आपको ये साइन का यूज़ करना है. ये साइन जिस तरफ डिजिट बड़ी होती है, बिगर होती है, उधर इस साइन का माउथ ओपन रहता है. देखिए लाइक दिस, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. विच डिजिट इज़ बिगर, 4 या 5? 5 इज़ बिगर. 4 से 5 बड़ा है, ज़्यादा है, तो 4 5 की तरफ इसका माउथ ओपन रहेगा. लाइक दिस, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रही हूँ. 6 3, आप देख सकते हैं कि 6 जो डिजिट है वो बिगर है 3 से, तो 6 की साइड इसका माउथ ओपन कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, डू यू गेट इट, समझ में आया आपको. अब आपको इसमें बताना है लाइक दिस, ये आप बताना है 51 या 91. विच डिजिट इज़ बिगर, 91 इज़ बिगर. 45 54, 45 बिगर है या 54? आई थिंक 54 इज़ बिगर. 79 and 99 इज़ बिगर. 57 and 100, विच डिजिट इज़ बिगर, 100 इज़ बिगर. सो वी विल पुट द टिक, पुट द साइन लाइक दिस. नेक्स्ट, सर्कल द नंबर बिगर देन 45. इसमें उस नंबर्स पर आपको सर्कल करना है, उन नंबर्स पर जो नंबर 45 से बिगर है. लाइक
46 45 से बिगर है, 44 स्मॉलर है, 59 इज बिगर देन 45 एंड 100 इज बिगर देन 45। इस पे हम लोग सर्कल बना लेंगे। अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, नीचे से ऊपर जाना। जैसे स्टेयर्स पर आप वन स्टेप पे अपने पैर रखते हो, फिर सेकेंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, एक एक स्टेप करके आप ऊपर चढ़ते जाते हो और आपकी स्टेप्स बढ़ती जाती हैं। लाइक दिस आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर करना होता है। पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले आप इस पर नंबर मार्क कर लीजिए। सबसे छोटा 24, देन 24 से बड़ा 55, 55 से बड़ा 87, और 87 से बड़ा है 99, लास्ट में 99। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आप राइट कर लीजिए 24, सेकंड नंबर 55, थर्ड नंबर पे 87 एंड फोर्थ नंबर पे लास्ट में 99। ओके, नाउ अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इट मीन्स बड़े से छोटे में करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, ऊपर से नीचे आना। आपने 10th स्टेप पे पैर रखा, 10 से 9 पे आए, 9 से 8 पे आए, 8 से 7 पे आए, 7 से 6 पे आए, फिर 5 पे आए। इस तरह से ऊपर से नीचे आना, मीन्स बड़े से छोटे में जाना। तो सबसे बड़ी डिजिट पहले आप मार्क कर लीजिए यहाँ पे नंबर्स 94, देन 93 नंबर 2, देन 76, देन 44। I have arranged these numbers. Now we will write here. First number पे 94, second number पे 93, third number पे 76 and then 44. Complete this space. I hope you have also completed this space. Now come on the next page. Let me open. Represent 24 using 3 different ways. ये 24 को आपको 3 ways से represent करना है. 24 given here. 2 tens 4 ones. 1 ten 14 वंस। इनको आपको 3 वेज से रिप्रेजेंट करना है ब्लॉक्स बना के। तो 24 वंस है, तो 24 वंस में आपको 2 टाइम 12 12 ब्लॉक्स बना के इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए मैं बनाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इसको ब्लॉक्स बना के कलर भी कर सकते हैं इसमें, इससे और सुंदर लगेगा। पहले मैंने 12 ब्लॉक्स बनाए, 12 ब्लॉक्स फिर बना देंगे तो ये 24 वंस हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 24 ब्लॉक्स हो गए। नेक्स्ट में 2 टेंस एंड 4 वंस। तो आपको 2 टेंस के ब्लॉक बनाने हैं, 10 ब्लॉक्स की 2 रोज बनानी है और 4 वंस। तो 10 ब्लॉक्स की 2 रोज बनाते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन रो हो गई। सेकेंड रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 20 हो गए, 2 टेंस हो गए। अब 4 वंस आपको बनानी है तो 4 ब्लॉक्स और ड्रॉ कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2, 3 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 10 and 14 वर्ड्स. आपको 1, 10 ब्लॉक्स की एक रो बनानी है, फिर 14 वर्ड्स बनाने हैं. तो पहले 10 ब्लॉक्स की 1 रो बना लेते हैं. 1, 10 हो जाएगा ये. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और आपको 14 वंस बनाने हैं, तो 2 टाइम आप 7, 7 बना दो. 7, 2 जा 14 हो जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नीचे फिर आप 7 ब्लॉक्स बना दीजिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ये आपका 14 वंस हो गया. 1, 10 and 14 वंस. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव डन दिस पेज. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. दिस इज योर नेक्स्ट पेज. राइट द मिसिंग नंबर वर्कशीट 4. इसमें आपको मिसिंग नंबर्स राइट करने हैं. 10, 20, 30, 40, 50. वी विल राइट हियर आफ्टर 50, 60. ये 10 की काउंटिंग है. देन 70, देन 80, देन 90, देन 100. 10 की काउंटिंग करनी है. और ये 5, 5 की काउंटिंग है. पहले आप फर्स्ट स्टेप में देखिए, 25 में 5 ऐड किया, 30 हो गया. 30 में फिर 5 ऐड कर दिया, 35 हो गया. 35 में फिर 5 ऐड किया, 40 हो गया. अब ये इससे ही समझ में आ गया सीरीज़ को देखकर कि ये 5 की काउंटिंग है. तो इसमें 5, 5 ऐड करते जाएंगे. 40 में 5 ऐड कर देंगे, 45. 45 में फिर 5 ऐड करेंगे, 50. 50 में फिर 5 ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा. 55 में फिर 5 ऐड कर देंगे, 60. 60 में फिर 5 ऐड करिए, 61, 62, 63, 64, 65. 5 ऐड कर दिया तो गया 65. 65 में फिर 5 ऐड कर देंगे, वी विल राइट हियर 70. नेक्स्ट सी 87, 77, 67, 57, 87. 87 में बैक काउंटिंग, इसमें 10, 10 की बैक काउंटिंग है. 10, 10 माइनस करते चले जाएंगे. 67 आफ्टर 67 57, फिर 47, देन 37, देन 27, देन 17 ऑल्सो गिवन हियर, देन 7. ये 10, 10 की बैकवर्ड काउंटिंग है. इसको बैक से 10, 10 माइनस करते जाएंगे. आपको स्टार्टिंग की सीरीज देख के आगे की स्टेप्स कंप्लीट करनी है. अब इसमें आप देखिए 98, 88, 78. इसमें भी 10 की काउंटिंग है, बैकवर्ड काउंटिंग है. इसमें भी 10, 10 आपको माइनस करना है. तो पहले 98 था, आप जो 10th प्लेस पे है उसको देखिए, 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है. यहाँ पर हम लोग 68 लिख देंगे. फिर 10th प्लेस 6 में से 1 माइनस कर देंगे, 58. फिर 10th प्लेस पे 5 है, 1 माइनस कर देंगे, 48. फिर 38 ऐसे 10, 10 माइनस करते चले जाएंगे. बैकवर्ड काउंटिंग है 10th की. नेक्स्ट 12, 23, 34, 45. इसमें क्या करना है बच्चों, आपको 12 में कितना प्लस करना है. देखिए आप 12 में कितना प्लस किया है. 12, 2 जा 24. अगर 12 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा. तो 11 ऐड किया गया है. लेकिन आप इसको दूसरे तरह से देखिए, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. ये पैटर्न है. फिर इसके बाद हम यहाँ पर 5 राइट करेंगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. तो इसी तरह से हम लोग इसकी नेक्स्ट डिजिट का लिखते जाएंगे. आफ्टर 4 के बाद 5, और 5 के बाद यहाँ पे 6. अब इस डिजिट को हम लोग देखेंगे, 5 के बाद 6 राइट करेंगे, और 6 के बाद 7. नेक्स्ट डिजिट राइट करनी है. 6 के बाद 7 एंड 7 के आफ्टर 8.
अब इसको देखिए, 7 आफ्टर 8 एंड 8 आफ्टर 9, इस तरह से आपको इसको काउंट करके राइट करना है. ओके, नाउ दीज आर द पीसेज ऑफ नंबर चार्ट, के पीसेज हैं ये, और इनको आपको कंप्लीट करना है. 35, 36, 37 ऑलरेडी गिवन हियर, अपनी बुक में देखिएगा. आपको मुझे सेंड करना था इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से फिल कर लिया है. 35, 36, 37 वी विल राइट हियर. 38 नेक्स्ट पैटर्न में देखिए. 10, अब यहाँ पर आपको सीरीज बनानी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझ में देर से आएगा. अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे 18 हम फिल करेंगे, क्योंकि अगर सीरीज आगे की पैटर्न बना होता तो आपको समझ में आ जाता. 10 में प्लस 8 करेंगे, 18 हो जाएगा, फिर 10 प्लस करेंगे, फिर 8 प्लस करेंगे, फिर 10, इस तरह से सीरीज बनती है. तो यहाँ पे एक ही डिजिट आपको लिखनी है, तो आप खाली 18 लिख दोगे. नेक्स्ट पैटर्न में 3, 4, 6 गिवन हियर, 3, 4, 5 राइट हियर एंड 7 राइट हियर. दिस सीरीज इज कंप्लीट. 3, 4, 5, 6, 7 नेक्स्ट 46, 47, 48, 49 इज गिवन हियर. आप ऊपर के जो चार्ट का पीस है इसमें 45 लिख देंगे और नीचे 49 के आफ्टर 50 आ जाएगा. ये आपकी सीरीज कंप्लीट. 45, 46, 47, 48, 49, 50 ओके स्टूडेंट्स, डू समझ में आ गया बच्चों आपको. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. दिस इज योर लास्ट पेज, आपका लास्ट पेज है. आप वीडियो देखिएगा केयरफुली, इसको वॉच करिएगा और फिर आप ये वर्क कंप्लीट करिएगा. चीटिंग मत करिए, देख के मत करिएगा, समझ के करिएगा. 5 tens and 6 ones, 5 tens and 6 ones 56, 6 ones प्लेस पे आ गया, 5 tens प्लेस पे. नेक्स्ट कम्स बिफोर 78, 78 से बिफोर क्या आता है, 77. कम्स आफ्टर 99, 99 के बाद क्या आता है, 100. कम्स बिटवीन 66 एंड 68, 66 और 68 के बीच में बच्चों क्या आएगा, 67. 91 कम्स बिटवीन, 91 किसके, कौन सी डिजिट के बीच में 91 आता है, आफ्टर 90 91 आता है, तो 90 एंड 92, 90 एंड 92 के बीच में, मिडिल में 91 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्पॉट द एरर, आपको इसमें गलतियां स्पॉट करनी है, जो एरर हैं गलतियां हैं उनको स्पॉट करनी है और उनको करेक्ट करके यहाँ पर राइट करना है. ये देखिए इसमें मिस्टेक है, ये दोनों डिजिट इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो ये मिस्टेक है, तो इसको आपको यहाँ पर करेक्ट करना है. 56 छोटा है और 65 बिगर है 56 से, तो मैंने बताया था जैसा कि आपको कि जो नंबर बिगर होता है उसकी तरफ माउथ ओपन हो जाता है साइन का. इधर देखिए ये भी रॉन्ग है, 98 100 100 इज़ बिगर देन 98, तो ये साइन किधर रहेगा, 100 की तरफ माउथ ओपन होगा. इसमें हम लोग करेक्ट कर लेते हैं ऐसे. नेक्स्ट 89 89, इस सिमिलर डिजिट है, सेम है, तो जब सेम डिजिट होती है बोथ साइडेड तो हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉन्ग लगा हुआ है, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आया, आई होप डू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, दिस एक्सरसाइज, दीज एक्सरसाइजेज. नाउ आई एम गोइंग टू ओवर दिस क्लास, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, टिल दैट बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ.